5,600 हो रहा था, लेकिन बाद में हमारा एक बंदे ने कैंसिल किया, तो जाने से पहले हमने उनको मना कर दिया कि भाई नहीं जाना है, लेकिन बोलते नहीं हमें तो पूरा पैसा चाहिए, तो ये एक मचमच हो जाता है। Hey guys, welcome back to a new video. और इस बार हमारा डे टू शुरू हो चुका है कश्मीर का, एंड इस ट्रिप में आई एम हेडिंग टूअर्ड्स सोनमर्ग। एक्चुअली मैं यहाँ पे 4 नाइट का स्टे टोटल मैंने लिया था, तो फर्स्ट डे मैं गया था पहलगाम, सेकेंड डे आई एम हेडिंग टूअर्ड्स सोनमर्ग। सोनमर्ग जाते वक्त रास्ते में काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे आते हैं यार, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, बिकॉज ये जनवरी का मंथ है तो आपको पता ही है कि स्नोफॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम इस साइड से आए थे और इस साइड में जाने वाले हैं सोनमर्ग के लिए, और यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स है देखो सब पे स्नोज है, इनफैक्ट नीचे भी स्नोज है, पूरे में स्नो फैला हुआ है। तो हमने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया था, सिर्फ एक रीज़न था कि मुझे कुछ स्वेटर लेने थे और कुछ जैकेट्स लेने थे, तो मैं जो अभी पहना हूँ ये मैंने यहीं से लिया है, और ये शॉप का नाम है कश्मीर आर्ट महल। तो बेसिकली रीज़न था यहाँ पर रुकने का, थोड़ा कुछ खाएंगे, थोड़ी चाय पियेंगे, और उसके बाद कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग तो हो गई है, अब थोड़ी सी चाय लेंगे। तो चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये जो आर्ट महल है कैसा है और यहाँ पे क्या क्या आइटम मिल सकता है, और मैं आपको इसके ऑनर से भी थोड़ी गुफ्तगू करवाऊंगा। हाँ मतलब ठीक ठाक है, बुढ़ापा दिख रहा है, बुढ़ापा जैसा, बुढ़ापा जैसा, बुढ़ापा जैसा, अच्छा लग रहा है। अब चाहे झूठ बोलो आपसे इसमें, भाई साहब देखिए माशाल्लाह ट्राई किया, गुलाम नबी आजाद। अरे वो तो वही शादी में बनाते हैं दूल्हे को, ये गुलाम नबी आजाद पहनता है ऐसा। इधर डॉक्टर फारूक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब पूरे ड्रेस हो गए भाई, दिखा भी परवाही दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, कब से दुकान है आपकी? 8 साल। चले माशाल्लाह। नहीं नहीं भाई, इससे अच्छा पहले वाला था वो जो कोई जैकेट टाइप में है क्या, ये क्यों हो गया जैकेट टाइप में कुछ है क्या, जैसे मैंने पहना था ना उस टाइप का? अरे इस टाइप का ले लीजिए, ग्रीन कलर है। हमने यहाँ से कंप्लीट शॉपिंग किया, इनफैक्ट हमने पूरी फैमिली के लिए लिया है, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ें ऑनलाइन परचेज वगैरह करते हो मुंबई में रह गए या बाहर से रह गए, जहाँ पे का अगर विंटर मौसम नहीं होता है वहाँ अभी कुछ भी परचेज करोगे आप तो वो क्वालिटी नहीं मिलती है जिसमें हीटनेस अच्छे से हो, लेकिन अब जहाँ पे ठंडी होती है जैसे कि कश्मीर है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लोगे ना तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज ये चीज़ें यहाँ के लिए स्पेशली बनती है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम चेक किए, एक से एक वैराइटीज़ है। तो मैं आपको ये शॉप तो दिखा चुका हूँ, चलो इनके ऑनर से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। कैसा लगा सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ यूट्यूब में आए, इनका कार्ड है, दिल्ली दरबार ढाबा भी है ना पीछे। आप इसके ऑनर हैं माशाल्लाह। आपका क्या नाम है भाई? जहूर अहमद। जहूर अहमद, तो भाई मैं आपके शॉप में आया, मुझे यकीनी बहुत अच्छा लगा, और आपके शॉप में काफी सारे वैरायटीज है, चाहे वो मफलर से ले लीजिए, चाहे वो जैकेट से, स्वेटर, किस कोई भी आइटम लीजिए, काफी सारी वैरायटीज, हमें तो बहुत पसंद आया। तो आप मेरे व्यूअर को क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा लगा आपको? सही, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ भाई हाँ जी। अच्छा ये बाकी सेल्समैन अच्छा है? इधर सेल्समैन वगैरह यहाँ पे तो काफी अच्छे अच्छा हैं है। और इन लोगों ने एक एक आइटम जैसे हमारी जो डिमांड होती है उसके हिसाब से इन्होंने बराबर दिखाया, हम तो काफी खुश हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो मेरे व्यूवर हैं जो भी देखे हैं वो जरूर आपके पास आएंगे, और अब जो मेरे व्यूवर आएंगे उनको आप अच्छा डिस्काउंट दीजिए, ठीक है। और ये एकदम सही लोकेशन पे भी है, सोनमर्ग नेशनल हाईवे पे ही है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ क्राउड भी नहीं है, पार्किंग का भी अच्छा इंतजाम है, तो भी टेंशन नहीं होगा, और इंशाल्लाह आप यहाँ पे आके इनसे मिलिएगा तो ये आपको प्राइसिंग भी बहुत अच्छा करवा देंगे, और आपको यहाँ वैराइटीज की तो बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, बिकॉज ना हमने काफी सारी चीजों को देखने के बाद हमें जिसको जैसा चाहिए सबको वैसा वैसा मिल गया है। कल भी मैं एक दो शॉप में गया था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया कुछ चीजें, लेकिन यहाँ तो काफी पसंद आया। ये देखो, खोलो, ये नया आइटम, नया आइटम है, ट्राई करो, ये देखने लायक, ये ऐसा चीज नहीं मिलेगा जो रियल हैंडमेड। अच्छा खुल गया, क्या बात कर रहे हैं, वाओ भूख से हो गया बंद। अच्छा अच्छा, मतलब कहीं कुछ दबा रहे हो? हाँ देखो क्या हैंडमेड का आइटम। बिल्कुल सही बात है, कुछ तो अपना दबाया है। ये है सीक्रेट लॉक। हाँ सीक्रेट लॉक, राइट, अच्छा है। ये देखो हाथ का, ये वॉलनट वुड है। अच्छा वॉलनट वुड का है, अखरोट की लकड़ी है ना ये, अखरोट। तो देखिए ये भी कुछ मैजिक जैसा आइटम है, आपको कुछ छिपा के रखना है, इसमें रख सकते हो, और नॉर्मल लोगों के बीच में रहेगा कोई खोल भी नहीं पाएगा। ये सिगरेट सिर्फ इनको पता है, अभी मुझे पता है।
ये है इधर सीक्रेट, बस हल्का सा इसको मूव करना है उसके बाद ये खुल जाएगा। कल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। मैं अभी यहाँ से निकल चुका हूँ, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक घंटे के ऊपर का टाइम बिता दिया है। तो हमने यहाँ पे काफी सारी शॉपिंग की है और हमारा जो बिल बन गया होगा 9000 मेरा। हाँ मान ली 8000 रुपए आपका हो गया और 9000 आपका और मेरा है 7000। हाँ तो 17 और 7 माई गॉड 24000 रुपीज। कैन यू बिलीव इट, 24000 रुपीज हमने यहाँ पे खर्चे की है इस कपड़े के लिए जो सिर्फ 3 दिन यूज आने वाला है और उसके बाद ये कौन सी गोनी में कौन सी रजाई में पता नहीं कहाँ घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो अभी सीधा नेक्स्ट टाइम अब निकलेगा हम लोग वापस, जब कहाँ का ट्रिप करेंगे आप बताओ? स्विट्जरलैंड जाना है तो स्विट्जरलैंड 2024 में पक्का। इस पैसे में हमने जो चीज़ लिया है वो रियली अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है। और हमें यहाँ से पहुँचने में 1 से 1.25 घंटा और लगेगा फॉर श्योर। और यहाँ का व्यू देखो यार, फैन हो जाओगे। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. फाइनली मैं पहुंच गया सोनमर्ग में एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ सोनमर्ग। हम यहां से अभी आगे जाने वाले हैं और हमने ना यहां के लिए चैन कार बुक किया है। उस चैन कार का हमने 2 गाड़ी लिया है, एक गाड़ी का 3000 पे किया है, वो बोल रहे थे 5500। आधे घंटे की बार्गेनिंग के बाद डन हुआ 3000 रुपीज़। ये ब्रिज फिलहाल बंद है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था लेकिन अभी बंद है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर में, देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है। कौन है तू? यहाँ पे हमारे अंकल है नहीं तो अभी हमने सोचा कि हम व्लॉग करेंगे। आ गए तो हम व्लॉग करेंगे आज। अच्छा हमें पता नहीं करना क्या होता है। बाय बाय। हम आपको व्यू भी दिखा सकते हैं, व्यू दिखाते हैं। छपरी व्लॉगर लग रहा है। So I guess हम ब्लॉगिंग में यही सब करते रहते हैं। हमको ब्लॉगिंग आती नहीं है, हमने सोचा सौरभ जोशी इतना कैमरा लेके चल पड़ता है तो हम भी चल पड़ते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी ठंड लग रही है पर हमें अच्छा भी दिखना होता है तो इसलिए हमने मैंने नहीं पहना है, गाइस मैंने पहना है बिकॉज मेरे को बहुत मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर लगे। सो मेरे को ठंडी तो लग रही है। ओके पब्लिक में ब्लॉगिंग करना इज सो वियर्ड। ये हमको पता नहीं था लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा अभी क्योंकि यार क्योंकि लग रहा है। ठीक है छोड़ दो हमें, क्या हम तो ब्लॉगर्स हैं नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सस्ते ब्लॉगर लग रहे तो हम छपरी सस्ते ब्लॉगर। ये हमारे दोस्त के सब ये सारे के सारे मरमट गस्ती कर रहे हैं। ये देखिए GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग और हम भी करेंगे और यहां हम पैदल। GoPro स्टॉप हो जा। शिट व्हाट द फक। सो गाइस हम आ चुके हैं वापस से। सो या फातिमाज बोली गुड। हाय गाइस वेलकम। हम कहां पे हैं? हम कश्मीर में कहीं हैं पता नहीं। हम कश्मीर में कहीं भटक रहे हैं। सो भाई गाइस हम आपको अपना आज का व्यू दिखाते हैं। ये है गाइस। तो गाइस ये हम लोग दूसरी जगह पे आए हैं, ये कल वाली जगह नहीं है। अबू जी और पापा आंटी ऐसे खड़े हैं। एक दो कसम खुदा पापा बहुत छिड़े हुए हैं क्योंकि पापा को बहुत ऐसे बोर हो रहा है। अबू जी बहुत थक चुके हैं। पापा आपको कैसा लग रहा है आज? अरे बेटा क्या बोले अबू जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठंडी लग रही है। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा ठंडा लग रहा है। ठंडा लग क्या सुन आंटी आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है। अपना मेहमान हमारा लेके सस्ते ब्लॉगिंग शुरू करते हैं।
चल तो शुरू है। हाय अंकल, हमें पता है ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग हो रही है, ये व्लॉग हमारा देख रहे होंगे और अगर नहीं देख रहे तो हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम चाहते हैं कि हम आपकी तरह जी यार रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा। तो गाइज हम आपको आज का व्यू दिखाते हैं, ये हमारा डे थ्री है, ये डे टू है, डे टू। चल मैं चुप रहा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, यहाँ डे थ्री है। गाइज ये व्यू हमारे व्लॉगर चचा रहे हैं, चचा रहे चचा नहीं नहीं करने वाले हैं अंकल की जगह। सो अंकल से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है, अंकल कैसा लग रहा है? हां हां, I'm feeling really great यार। सो आज व्लॉगिंग हम दोनों करने वाले हैं, है ना? फातिमा, how are you doing? Yeah, we both are doing. Actually guys, Fatima is doing vlogging today and I can tell you your vlog bahut bekar jayega just because of her. No no no, of course it will be really nice yaar, meri bachchi log bhi try kar rahi hai, isn't it great? Yeah, it's great. Lekin ek hi problem ho rahi hai yaar, bar bar ice ja raha hai joote ke andar. Joota kaise niklega? जूता निकलने का एक सही तरीका है, आप लेट जाओ बाकी दो लोग खींचेंगे। नहीं लेटो लेटो, आइस पर लेटो। हाँ यस यस, अब खींचो भाई भाई, इधर इधर भी, इधर भी, इधर भी। गुड वन, गुड वन, वेरी गुड वन। सो अंकल का ट्रिक अच्छा गया, ये अंकल का नहीं हमारा था, ठीक है गाइस? अरे वो गधे लग रहे होंगे ना, तो बोल देना अंकल को ब्लर कर देना। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. मेरी स्नो बाइकिंग अभी हो गई है और सच बताऊं तो रियली इट वाज फन, बट इट्स अ रियली रियल